press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, this is Aryan. तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे इस गाड़ी के पल्सर 160 NS में फिलहाल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो कि मैं 10-12 डेज से फेस कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और मैं इसे सर्विस सेंटर भी करीब 3-4 बार लेकर गया हूँ, फिर भी वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक करके देते हैं, फिर 10-15 किलोमीटर के बाद प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ आखिर प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रहा है। तो जैसे कि मेरे गाड़ी में ये जो फ्रंट व्हील डिस्क है, ये 10-12 किलोमीटर चलने के बाद है सो व्हील एकदम फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसके कारण है सो मैंने कंप्लेन भी किया, तो फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम ठीक कर दिए हैं, गाड़ी आपका ठीक हो गया, आप चलाइए। तो फिलहाल मुझे सबसे डिसएडवांटेज इस गाड़ी का यही लगा, क्योंकि अभी तक इस गाड़ी का डिस्क का प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड इस गाड़ी में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका सीट बहुत हार्ड है। और लॉन्ग राइड पे हम लोग ने फिलहाल कुछ दिन पहले गया था, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पटना टू राजगीर गए थे, तो उसमें ऐसे मुझे हम लोग को ये फेस करना पड़ा, फ्रंट डिस्क फिक्स हो चुका था, जाम हो चुका था। सेकंड सीट बहुत हार्ड है, जिसके कारण लॉन्ग राइड पे बहुत पेनफुल होता है। और थर्ड इस बाइक में ये प्रॉब्लम है कि इसका इंजन बहुत वाइब्रेट होता है, और यही 3-4 चीज़ मुझे ऐसे फेस करना पड़ रहा है। और इसमें एक और मुझे ऐसे इसमें प्रॉब्लम आया, क्योंकि इसका फ्रंट जो वाइज़र है वो भी बहुत आवाज़ करता है, ऑफ रोडिंग में बहुत आवाज़ करता है।